हेलो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? और कैसे इंसान सुंदरबन के टाइगरों का मेन खाने का स्रोत बन गया है? और आखिर सुंदरबन को सुंदरबन ही क्यों कहा जाता है? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए एंड तक बने रहिए फैक्ट रेंजर के साथ। सुंदरबन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव्स है, जो तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका 60% बांग्लादेश में तथा 40% इंडिया में है। आखिर सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहा जाता है? सुंदरवन में सबसे ज्यादा मिलने वाला पेड़ों की स्पीशीज में सुंदरी पेड़ सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बांग्ला शब्द सुंदर का मतलब होता है खूबसूरत, और यह पेड़ काफी खूबसूरत होने के कारण इस जंगल का नाम सुंदरवन पड़ गया। सुंदरबन में 50 से ज्यादा स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, जिनमें टाइगर, हिरन, एंटीलोप और मंकीज के कुछ प्रजाति मुख्य हैं। इसके अलावा सुंदरबन में 300 से अधिक पक्षियों के स्पीशीज भी पाए जाते हैं। सुंदरबन का अधिकतर एरिया जलमग्न तथा कीचड़ी होने के कारण यहाँ पर रेप्टाइल्स की कई प्रजाति पाए जाते हैं, जिनमें साल्ट वाटर क्रोकोटाइल, मॉनिटर लिजार्ड तथा स्नेक के कुछ प्रजाति मुख्य है। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है, जो कि उसे 1997 में मिला। सुंदरबन की बात आए और टाइगर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुंदरबन में तकरीबन 400 टाइगर रहते हैं, जिनमें से 300 बांग्लादेश में तथा 100 इंडिया में रहते हैं। सुंदरबन का जंगल बहुत ही घना और दलदली होने के कारण शिकार करना वह एक मुश्किल काम है, इसलिए टाइगर ने इंसानों को एक खाने के स्रोत के रूप में चुना है। तथा सुंदरबन का पानी नमकीन होने के कारण लोगों का मानना है कि टाइगर को इंसान के मांस का स्वाद मिल चुका है, इसलिए अकेले सुंदरबन में जितना टाइगर अटैक होता है उतना शायद ही दुनिया में किसी और जगह पे होता होगा। सुंदरबन में औसतन प्रतिवर्ष तकरीबन 15 लोगों को टाइगर अपना शिकार बनाते हैं, जिनके वजह से सुंदरबन में एक वीडो विलेज भी है, जहां की अधिकतर पुरुषों को टाइगर अपना शिकार बना चुका है। सुंदरबन के दूर दराज इलाके में रोड की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, इसलिए सुंदरबन में पानी के थ्रू बोट ही अकेला एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। सुंदरबन में तकरीबन 40 लाख लोग रहते हैं, जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। सुंदरबन एक टाइट प्रोन जोन होने के कारण कृषि व्यवसाय यहाँ पर मुश्किल है, इसलिए लोग मछली पकड़कर तथा मधुकोश से मधु चुराकर अपना जीवन यापन करते हैं। सुंदरबन दिखने में जितना खूबसूरत है वह उतना ही खतरनाक है, और वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए सुंदरबन किसी स्वर्ग से कम नहीं है, इसलिए सुंदरबन प्रतिवर्ष हजारों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैं सुंदरबन के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि रोज कीचड़ से जूझते हुए मछली पकड़ने जाने का नाम है सुंदरबन। खतरनाक मधुमक्खी का परवाह ना करते हुए उसके चंगुल से शहद चुरा के लाने का नाम है सुंदरबन। वाघ के हाथों अपने छाती को खोकर फिर भी बनदेवी का नाम लेके वापस से दूसरे दिन जंगल में जाने का साहस है सुंदरबन। और इतनी परेशानियां सहकर भी चेहरे पे मुस्कुराहट लिए जीने का नाम है सुंदरबन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।